घुसो कवर मत कर मारो फ्लैश फ्लैश। एक ताजा खबर के साथ हम आ पहुंचे हैं माधव दास जी के घर। आप सब लोग क्या क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहां मर गए सब? देखो वहीं पे एक लड़का आया हमारे सामने और साथ ही वो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, एक कोशिश किया वो ये लोग मारे नहीं, घुस गए घर पे। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि कल रात आप सड़क पर थी। क्या ये सच है कि कल रात आपको माधव दास जी ने सुनसान सड़क पर छोड़ दिया? बोलिए, हमारे पास गवाह भी हैं जिन्होंने आपको सड़क पर देखा। शादी के बाद आप पर शोषण हो रहा है। मेघा जी, क्या आप अपनी भाभी को प्रताड़ित कर रही हैं? टर्न करके इधर देखो। देखा, यहाँ से बोला सुन किया आप लोग अंदर कैसे आए? किस हक से आप लोग हमें सवाल जवाब कर रहे हैं? क्या पब्लिक इवेंट था ये? अरे कल पब्लिक इवेंट था ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज ये मेरा फैमिली मैटर है। बाहर निकलिए वरना मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। आप हमें इस तरह धमका नहीं सकते। अपने खबरों की पुष्टि करना, उन्हें छापना और लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। अरे बाजार में और भी बहुत सी खबरें हैं, जाके उन्हें पूछा कीजिए ना और छापिए। मेरे जिंदगी को खबर मत बनाइए, समझे? निकलिए। आप हमें तो बाहर निकाल सकते हैं लेकिन सच्चाई को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि अमीर घर के लोग अपनी भूमों के साथ कैसा शोषण करते हैं। शोषण? कैसा शोषण? अरे कैसा सर, जानना क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि क्या आपने अपनी पत्नी को शादी के बाद घर से बाहर निकाल दिया था? और क्या आपने सिर्फ समाज के दबाव में आकर शादी की है? आराधना जी।